डरावनी रातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्षित है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, लेकिन 3 साल पहले मैं दिल्ली में रहा करता था। मेरी एडमिशन यहाँ की एक अच्छी कॉलेज में करवा दी गई थी, लेकिन उससे ज़्यादा परेशानी थी यहाँ पर घर ढूँढने की। मैं कुछ ही दिनों से यहाँ पर अच्छा घर ढूँढ रहा था जहाँ पर रहकर मैं पढ़ाई कर सकूँ, लेकिन मुझे कोई भी अच्छा घर या एक कमरा भी नहीं मिल पा रहा था। पुरानी दिल्ली में पहुंचते ही मुझे यहाँ पर कई ऐसे घर दिखे जहाँ पर रहा जा सकता था, लेकिन मुझे अकेले को एक कमरा नहीं मिल रहा था। मैं कमरा किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर आपके साथ कोई बिगड़ा बच्चा आ जाए तो आप भी पढ़ नहीं पाते। मुझे पढ़ाई में हमेशा से ही अच्छा कहा जाता है और यहाँ आकर भी मैं अकेले ही एक कमरे में पढ़ना चाहता था। मेरी आदत ऐसी ही है कि मैं हमेशा से अकेला ही रहा, लेकिन अब अकेलेपन को जैसे मैं तोड़ने की कोशिश करता तो आ रहा हूँ, लेकिन दूर जा नहीं पा रहा हूँ। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही और एक लड़की थी जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था। वो भी मुझे पसंद करती थी, मैं ये माना करता था। मैं उसके आसपास रहता, वो पढ़ाई में अच्छी थी। पूरा साल मैं उसकी असाइनमेंट्स करता रहा, उसका काम करता रहा और कभी कभी उसके हॉस्टल का कमरा साफ भी करता। लेकिन जैसे ही 1 साल हुआ, उसके एग्ज़ाम ख़त्म हुए, वो तो मुझे इस तरह से भूल गई जैसे मैं उसके साथ था ही नहीं। मुझे प्यार में धोखा मिला था और उसके बाद से मैं अकेला रहना शुरू हो गया। पहले भी मैं अकेला था, लेकिन अब किसी को देखकर ही मैं उससे दूर जाने लगता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में कभी मुझे कोई लड़की पसंद आएगी, इसीलिए अब भी मैं अकेला एक कमरा ढूंढ रहा था और आखिरकार मुझे एक ऐसा कमरा किराए पर मिल गया जहां पर एक बुजुर्ग दंपति रहता था। उनका घर का ऊपर वाला कमरा बिल्कुल खाली था जहां पर उन्होंने मुझे रहने के लिए कह दिया था। इसी के साथ उन्होंने ये भी मान लिया था कि वो मुझे खाना देंगे। मेरे लिए ये अच्छा सौदा था, मुझे खाना बनाने की झंझट नहीं थी और ये घर जैसा माहौल था। वो बूढ़े अंकल बहुत अच्छे थे और बहुत बातें किया करते, लेकिन मैं कुछ बातें कर अपने कमरे में आ जाता। मुझे पढ़ने का शौक था तो मैं ज़्यादातर पढ़ता ही रहता। वो अंकल भी बहुत खुश थे कि मैं इतना पढ़ाकू हूँ और उन्हें परेशान बिल्कुल नहीं करता। 2-3 दिन तक मैं अपने कमरे में पढ़ता रहा और यहाँ पर कभी कभी मुझे घुटन सी होनी शुरू हो जाती। इसके बाद मैंने बाहर रखी वो सीढ़ी ली और इसके भी छत पर पहुँच गया। यहाँ ऊपर बहुत अच्छी हवा चल रही थी और मैं किताब लेकर एक टॉर्च लेकर पढ़ने लगा। रात को मैं इस तरह अकेला पढ़ रहा था और आसपास अंधेरा था। स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पास की गली तक ही थी। यहाँ जो हमारा घर था वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी और ये गली काफ़ी आगे तक तो जाती। घर तो बहुत बने हुए थे लेकिन उन घरों में कोई रहता नहीं था, जबकि सबसे पीछे वाला वो बड़ा 2 मंजिला घर देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, वहाँ पर भी ताला लगा हुआ था। मुझे उन बूढ़े अंकल ने बताया था कि आसपास के घरों में कोई नहीं रहता। कभी यहाँ पर बहुत चहल पहल हुआ करती थी, हर कोई यहाँ पर बहुत खुश हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे हर कोई इन घरों को छोड़कर यहाँ से जाने को मजबूर सा हो गया। कोई यहाँ नहीं रहना चाहता। मैंने उन बूढ़े अंकल से पूछा था कारण क्या है, उन्होंने कारण नहीं बताया था। आज छत पर लेटे हुए मुझे अकेलेपन का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था मैं किसी ऐसे घर में हूँ जहाँ आसपास और कोई रहता ही नहीं, बिल्कुल सन्नाटा सा। लेकिन उस 2 मंजिला घर में रात के 10 बजे लाइट जली। ऊपर वाले कमरे में लाइट जली थी और मैं इसे देखकर हैरान था, आखिर कैसे घर के नीचे ताला लगा हुआ है। उन बूढ़े अंकल ने बताया है कि यहाँ पर कोई नहीं रहता तो घर के अंदर लाइट कैसे जल गई। काफ़ी देर तक मैं उसे घूरता रहा, उसके बाद थोड़ा घबरा कर मैं नीचे आ गया।
मुझे लगा कोई चोर उचक्का होगा जो उस घर के अंदर चला गया होगा। जरूर वो चोरी करेगा और अब हम कर भी क्या सकते हैं। बूढ़े अंकल को मैं बताऊंगा, वो पहले से डरपोक से हैं, वो कहेंगे चुप करके अपने कमरे में चला जा। तो मैं पहले ही अपने कमरे में चला गया। आप कह सकते हैं मैं भी डरपोक ही हूँ। कुछ समय तक तो वो याद की तरह दिमाग में घूमता रहा और कब नींद आ गई मुझे पता नहीं चला। अगली सुबह उठते ही मैं उन बूढ़े अंकल से पूछना चाहता था, मुझे बताइए उस घर में है कौन। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, वो जानते थे मैं कोई सवाल करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, सीढ़ी ऊपर लगी हुई थी, लगता है तुम छत पर सोए। तो मैंने भी हंसते हुए कह दिया, हाँ हवा अच्छी चल रही थी इसलिए मैं छत पर चढ़ा तो था, 10 बजे के करीब नीचे उतर आया। तो अंकल ने कहा, क्या हुआ, ऊपर सोए नहीं पूरी तरह। मैंने कहा, सो तो लेता लेकिन उस घर में लाइट जल रही थी, मुझे लगा कोई चोर घुसाया है। आपने बताया था उस घर में कोई नहीं रहता, तो कौन आया था जिसने लाइट जलाई है। मैंने ये शब्द कहे थे और उन बूढ़े अंकल के चेहरे पर जैसे पसीना सा आना शुरू हो गया। वो घबराते हुए बोलने लगे, कुछ नहीं वहाँ कोई नहीं है। लेकिन उनका घबराया हुआ चेहरा देखकर मैं जान गया था कोई राज है जो वो मुझसे छिपा रहे हैं। तो मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, देखिए अंकल, आप मुझे बेटा मानते हैं तो सच बताइए ना, आप कुछ छिपा रहे हैं मैं जानता हूँ, घबराइए मत, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। वो बूढ़े अंकल काफ़ी देर तक मशक्कत करते रहे मेरे सवालों से बचने की, लेकिन अंत में जवाब तो देना ही था। मैं इसी तरह से अड़ियल हूँ, जवाब लेकर ही रहता हूँ। उन्होंने बताना शुरू किया कि उस घर को भूतिया घर कहा जाता है। कहते हैं कि वहाँ पर लड़कियों का भूत है जो 2 साल पहले जलकर वहीं पर मर गई थी। उन लड़कियों का भूत सबको नजर आता है, इसीलिए इस गली में सब घरों को छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं, कोई यहाँ नहीं रहना चाहता। कहते हैं कि वहाँ से आवाज़ आती है लड़कियों के चिल्लाने की, किसी में हिम्मत तक नहीं उस घर के अंदर घुसने की। कई ज़रूरी और कीमती चीज़ें घर के अंदर पड़ी हैं, लेकिन कुछ चोरों ने कोशिश की और भागते हुए खुद पुलिस स्टेशन तक पहुँचे खुद को पकड़वाने के लिए। ये हालत है वहाँ की। तुम्हें क्या लगता है कोई चोर वहां घुस सकता है? ये उन लड़कियों की आत्मा है। उनका घबराया हुआ चेहरा ये बयां कर रहा था कि वो सच तो बोल रहे हैं, लेकिन मैं भूतों पर यकीन नहीं करता, इसीलिए मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए। उनकी दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी, इसीलिए मैं ज्यादा सवाल नहीं करना चाहता था, उन्हें डराना नहीं चाहता था। मैं अपने कमरे में तैयार होने के लिए चला गया क्योंकि मुझे अब कॉलेज जाना था। 10 बजे के करीब मैं कॉलेज के लिए निकला और शाम को 6 बज गए वापिस आते हुए। मेरे दोस्त कह रहे थे चलो घूमने चलते हैं, लेकिन मैं घूमने जाना पसंद नहीं करता, इसीलिए अपने कमरे में पहुंचकर मैं किताब को पकड़कर बैठ गया था। पढ़ने का शौक तो था ही, तो मैं इसी समय पढ़ना शुरू कर चुका था। 7 बजे के करीब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो गया था। मन में अजीब अजीब विचार से आने लगे। मैं कमरे से बाहर निकला, उसी 2 मंजिला घर को ताकने लगा। उस खिड़की से रोशनी निकल रही थी, नीचे ताला लगा हुआ था, कोई अंदर नहीं था। वैसी ही खिड़की थोड़ी खुली हुई, वैसा ही कांच के अंदर वो पर्दे का निशान। कुछ दिनों से ऐसा ही नजर आया था, लेकिन कल रोशनी के कारण कुछ अलग सा लगा था। मैं वहाँ खड़ा अंधेरा होने का इंतज़ार कर रहा था, जैसे सोच रहा था क्या सच में भूत होते हैं जो सबको नज़र आता है, क्या मुझे भी नज़र आएगा। बूढ़े अंकल ने ये तो कहा कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं, ये नहीं कहा किसी को नुकसान पहुँचाया या नहीं। बस वो चोर आए थे जो खुद पुलिस स्टेशन चले गए। कई सवाल मन में थे, जवाब देने वाला कोई नहीं। मैं उस खिड़की को देखे जा रहा था, किताब पढ़ने का मन नहीं हुआ। आज ऐसा लग रहा था कुछ ज़रूरी है उस घर में जो किताबों से भी आगे है। मेरे मन में ऐसी उत्सुकता थी कि मैं सीढ़ी लेकर छत पर पहुँच गया था। किताब को छाती पर रखे हुए नजरें मेरी उसी घर की तरफ थी। मैं किताब को खोल नहीं पा रहा था, ऐसा लग रहा था नजरें मजबूर हो गई हैं घर को ताकने को, और कुछ सवालों के जवाब ढूंढने हैं जो किताबों में नहीं मिलेंगे, उस खिड़की में मिलेंगे। 10 बजे के करीब तक इंतजार किया था मैंने, और 10 बजे वहां लाइट जली थी। फिर से मन में कई सवाल, कौन जलाता होगा लाइट, कोई तो घर के अंदर घुसता होगा, कहीं सोने के लिए ही तो नहीं, कहीं कोई कॉलेज का स्टूडेंट जिसे कमरा नहीं मिल पा रहा हो वो यहाँ आकर सो ही तो नहीं जाता। कुछ समय तक मैं ऐसे ही देखता रहा और आज
डर कम लग रहा था। मैं देखे जा रहा था तभी एक परछाई पर्दे पर पड़ी। वो सफ़ेद रंग का पर्दा था, अंदर लाइट जली हुई थी। जैसे ही बल्ब के सामने कोई आया होगा परछाई उस पर्दे पर पड़ी। वो परछाई पड़ी थी, मेरी नज़र उठी थी, इतने में वो परछाई हट गई। कुछ समय मैं फिर से देखता रहा, वैसी ही परछाई फिर से पड़ी और इस बार मैंने उस परछाई को साफ साफ देखा था। ये किसी लड़की की परछाई थी जिसकी हाथ में किताब थी। वो किताब पढ़ रही होगी, इधर उधर घूम रही होगी, जिसकी परछाई पर्दे पर पड़ी थी। मैं सोचने को मजबूर, भूत तो नहीं लगती ये, साफ साफ परछाई पड़ी है। कोई लड़की होगी जिसे कमरा नहीं मिल रहा होगा, छिपते छिपाते वो यहाँ रहने के लिए आ गई होगी। शायद बूढ़े अंकल को ये पता ना हो कि दरवाज़ा इस घर का दूसरी तरफ भी खुलता है, वहाँ से कोई आ ही जाता होगा। हो सकता है उस तरफ कोई दरवाज़ा मौजूद हो। 12 बजे तक मैं उस खिड़की को ताकता रहा था। वो लड़की कई बार इधर उधर निकल कर गई और 12 बजे लाइट बंद हो गई। ज़रूर वो सोने के लिए चली गई होगी और मैं भी ऊपर से नीचे उतर आया। मैं भी सोने के लिए चला गया। मेरे मन में ख्याल थे जिसके जवाब मैं कल ढूंढने वाला था। कल सुबह मैं जल्दी उठा। आज कॉलेज नहीं जाना था इसलिए आज इसकी तफ्तीश ही करनी थी। पहले बूढ़े अंकल के पास जाकर मैंने कुछ सवाल किए। मैंने जानना चाहा वहाँ कौन रहता था, किसका भूत नज़र आता है, वो क्या करता है, लेकिन उन बूढ़े अंकल की याददाश्त बहुत कमज़ोर थी। ज़्यादा चीज़ों का उन्हें याद तक नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही सवालों के जवाब पा लूँ। मैं उस गली के अंत तक गया, उस ताले को देखने लगा। ताले पर थोड़ा थोड़ा जंग लगा हुआ था, ऐसा लग रहा था इस ताले को खोला नहीं जाता। मैंने हिलाकर अच्छी तरह से चेक किया और ये कन्फर्म हो गया था इस ताले को कोई नहीं खोलता। अगर यहाँ इस ताले को कोई खोलता ही नहीं, इसका मतलब आगे से तो घर के अंदर जाना नामुमकिन है। इसके बाद मैं पूरा घूमकर गली के उस तरफ गया जहाँ से इस घर का पीछे का हिस्सा नज़र आता था। वहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ थीं और इन झाड़ियों में कुछ भी रखा नहीं था। कुछ कचरा पड़ा हुआ था और मैं चलता हुआ उस कचरे को फांता हुआ पीछे वाली दीवार तक पहुंच गया। उस घर की पीछे वाली दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं थी, कोई भी फांद सकता था, लेकिन ऊपर लगा हुआ कांच उसका ध्यान रखना ज़रूरी था। मैं वहां पर ईंटों को लगाने लगा ताकि ऊपर तक हाथ पहुँच पाए। मैंने ईंटें लगाई, हाथ फंसाया और मैं दीवार के ऊपर तक पहुँच गया। अंदर झांक रहा था, अंदर ईंटें लगी हुई थी, घास बिल्कुल नहीं थी। वहाँ बारिश के कारण सफाई भी हुई लग रही थी, पानी बिल्कुल नहीं खड़ा था, लेकिन पीछे भी एक दरवाज़ा था जिस पर ताला लगा हुआ था। मैं दीवार फांदकर अंदर चला गया, उस ताले को भी देखने लगा। वो ताला भी जंग खाया हुआ था, उसे भी देखकर ऐसा लगा कोई खोल ही नहीं सकता। फिर मेरा ध्यान इधर उधर वाली कुछ खिड़कियों पर पड़ा। कुछ खिड़कियां जो पहली मंजिल पर थीं खुली थीं। हो सकता है उन खिड़कियों को खोलकर कोई अंदर आ जाता होगा। आज तो इस सवाल का जवाब ढूंढ कर ही रहूंगा, लेकिन कमरे के अंदर नहीं जाना चाहता, कहीं कोई चोर कहकर पकड़ ही ना ले। उसी दीवार को फांद कर मैं बाहर आ गया था, लेकिन कुछ सवाल मन में थे जिनके जवाब ढूंढने थे। उन झाड़ियों के बीच से निकलते हुए मैं उस घर से दूर आ गया और गली में घूमता हुआ वापस अपने घर तक पहुँच आया। मैं कई सवालों का जवाब ढूंढता रहा था लेकिन मिला नहीं। कुछ पड़ोसियों से बात की और उन्होंने बताया सच में वहाँ 2 साल पहले एक घटना घटी थी। लड़कियों की मौत हुई थी और वो जलकर मरी थी। किसी ने अंदर से आग लगा दी थी और वो लड़कियाँ बाहर निकल नहीं पाई थी। कहा जाता है कि वहाँ गलती से आग लगी होगी जिस कारण दरवाजे पर आग लग गई और वो दरवाज़ा खोल ही नहीं पाई, अंदर ही जलकर मर गई थी वो। मैंने पड़ोसियों से ये भी सवाल किए थे कि क्या कोई दीवारों को फांद कर घर के अंदर जा सकता है, तो उनका कहना था कोई उस मनहूस घर के अंदर जाना ही नहीं चाहता। भले ही वहाँ पर काम की चीज़ें हैं, लेकिन कई बार उस घर को खोलकर जब चेक करने के लिए या सफाई के लिए लोग अंदर गए, डर कर भाग निकले। चोर की हिम्मत नहीं होती उस घर के अंदर जाने की, कोई वहाँ नहीं जा सकता। कहते हैं कि वहाँ भूत रहते हैं, उन लड़कियों की आत्मा नज़र आती है। मुझे यहाँ से भी वही सुनने को मिला था और मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। मैं भूतों पर यकीन नहीं करता और जो आँखों के सामने रात को मुझे नज़र आता था
वो भी भरोसे लायक तो था, लेकिन सच क्या है वो मुझे जानना था। पूरा दिन मन मचलता रहा था, रात होने का इंतजार कर रहा था मैं। 7 बजे ही छत पर चढ़ गया था, सीढ़ी लगाकर इंतज़ार किए जा रहा था कब वो लाइट जलेगी और मैं कुछ करूँगा। आज प्लान बनाया था मैं उस दीवार पर चलता हुआ, कुछ घरों के ऊपर से निकलता हुआ उस 2 मंजिला मकान के पास पहुँच जाऊँगा। वहाँ से वो खिड़की बहुत करीब नज़र आती है। इन घरों में कोई रहता तो है नहीं, आस पड़ोस वाला मुझे देख नहीं सकेगा, तो यहाँ से आराम से वहाँ पहुँच जाऊँगा और वहाँ पर कुछ समय बिता भी लूँगा, जान भी जाऊँगा। 7 बजे से 10 बजे का इंतज़ार इतना लंबा था कि समय बीत ही नहीं रहा था। 10 बजे वो लाइट जली और मैंने हिम्मत की दीवारों को फांदने की। वो पतली सी दीवार पर चलना ज़्यादा मुश्किल था, वो भी मैं कर गया था। कुछ घरों के ऊपर से निकलता हुआ मैं बिल्कुल उस खिड़की के साथ सटे वाले घर में पहुँच गया था। वहाँ से कुछ दूरी पर ही वो खिड़की थी, वहाँ पर लाइट जल रही थी और करीब से मैंने वो परछाई देखी थी पर्दे पर पड़ती हुई। ये लड़की की थी जिसके बाल काफ़ी लंबे होंगे। हाथ में किताब पकड़े हुए वो अंदर घूम रही थी। मैं वहाँ पर आवाज़ लगाकर जानना चाहता था वो कौन है। मैंने कहा, मैडम कोई अंदर है, मुझे लगता है कोई अंदर है। मैंने ये शब्द कहे थे वो पर्दा हटा, वो लड़की अपना चेहरा बाहर की तरफ दिखाने लगी और उस चेहरे को देखकर मैं हैरान सा हो गया था। वो चेहरा धुंधला धुंधला सा था, किसी इंसान का शरीर ऐसा नहीं होता कि उसके आर पार देखा जा सके। उस लड़की के चेहरे के पार मुझे बल्ब नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सच में ये भूत है जिससे मैं बात कर रहा हूं। जरा भी घबराहट नहीं हुई थी, मैं जान गया था यह भूत ही है, लेकिन घबराहट हो ही नहीं रही थी। उसका चेहरा इतना सुंदर था, वो भूत थी मैं जानता था, लेकिन फिर भी नजरें नहीं हट रही थी उसके चेहरे से। मैंने कहा, कौन हो आप, मैंने सुना है यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। मैंने बस ये कहा था और वो मुस्कुराने लगी। तुम्हें लगता है मैं भूत हूँ? हो सकता है भूत ही हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ पर कोई नहीं आता, जो भी आता है भाग जाता है। उसने ये कहा था और मजाक मजाक में मैंने भी कह दिया, अच्छा लेकिन इस चेहरे को देखकर कोई भाग नहीं सकता, करीब आ सकता है। मेरे ये शब्द सुनकर वो हंसने लगी। उसने कहा, अच्छा भूत से भी इस तरह से बातें करते हो जैसे तुम्हें डर ही नहीं लगता। तो मैंने कहा, मुझे कभी भूत का सामना करने का एक्सपीरियंस है ही नहीं, पहली बार कोई भूत देखा है और वो भी इतना सुंदर, यकीन ही नहीं होता। इसके बाद वो भी कुछ बातें करने लगी और मैं भी उससे कुछ सवाल करने लगा, लेकिन एक सवाल जिसने उसे उदास कर दिया वो था कि यहाँ आग कैसे लगी थी, क्या हुआ था। कोई नहीं बताता, कोई कहता है अंदर से आग लग गई थी, कोई कहता है किसी ने जला दिया था, आखिर हुआ क्या था उस दिन। तो उस लड़की ने कहा, मुझे भी नहीं पता, अगर पता होता तो मैं यहाँ से चली जाती, इस सवाल का जवाब मैं आज भी ढूंढ रही हूँ, मुझे जवाब मिलता ही नहीं। कौन था जो मुझे मारना चाहता था और मुझे इस तरह से किसने जला दिया, मैं नहीं जान पाई। मेरी 2 सहेलियाँ यहीं पर मेरे साथ थीं, वो भी जली लेकिन उनकी आत्मा कैद नहीं हुई, मेरी आत्मा यहाँ कैद क्यों हो गई, मुझे इसका जवाब चाहिए। उसका चेहरा उदास हो पड़ा था और मैं भी थोड़ा सा उदास हो गया। आखिर क्यों उसे यहाँ पर कैद किया गया है, और उसकी सहेलियाँ अगर आज़ाद हो गई इस दुनिया से तो ये आज़ाद क्यों नहीं हुई। उसकी आंखें नम थी और वो कह रही थी, मैं जाना चाहती हूँ, मैं भी यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इस घर से बांध दिया गया है, कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मेरे पास हैं ही नहीं। उसके बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा था, उसने अपना वो प्यारा नाम बताया था, साहिबा। वो नाम जैसे कानों में गूंजता जा रहा था और हम बातें किए जा रहे थे। मैं उसकी पढ़ाई की बातें पूछ रहा था, वो क्या पढ़ा करती थी, यहाँ पर कैसे रहा करती थी, और बातों बातों में 12 कैसे बज गए पता ही नहीं चला। 12 बजे उसने कहा, मेरे सोने का समय हो गया है, कल कॉलेज जाने का समय है, मैं 12 बजे से ज़्यादा जाग नहीं सकती, मुझे माफ़ करना। उसने इतना कहा, उस पर्दे को लगाया और लाइट बंद कर दी। मैंने आवाज़ें लगाई थी उसे बाहर बुलाने के लिए, लेकिन वो आई नहीं।
शायद इतना ही समय है उसके पास। मैं मुड़ चला अपने घर की ओर और वापस अपने कमरे के पास आ गया। आज पहली बार किताबों को मैं पढ़ नहीं पाया था। हर शाम की तरह आज का दिन वैसा नहीं था। मुझे नींद आ ही नहीं रही थी। इससे पहले किताबों के बाहर निकला नहीं था मैं कभी। आज निकला था तो उसका चेहरा नजर आए जा रहा था। सुबह तक मैं सो ही नहीं पाया, जैसे नींद आंखों में आई ही नहीं। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं बूढ़े अंकल के पास गया, कुछ सवाल करने थे। मैं बस साहिबा के बारे में जानना चाहता था। और बूढ़े अंकल तो और भी हैरान कि तुम्हें उसका नाम कैसे पता, वो नाम तो मैं भी भूल गया था। मैं उन्हें कुछ बताना नहीं चाहता था तो मैंने कह दिया, एक पड़ोसी ने बताया था, बहुत सुंदर लड़की थी साहिबा। तो बूढ़े अंकल भी बताने लगे, हाँ बहुत सुंदर थी, लेकिन उस पर कई लड़के मरते भी थे, शायद किसी ने आग लगा दी होगी, कभी किसी को पता चल नहीं पाया। पुलिस ने इंक्वायरी बिठाई थी लेकिन वो भी पता नहीं कर पाई थी। यहाँ सब ने माना था उन लड़कियों ने खुद को आग लगाई थी। तभी मैंने कहा, नहीं साहिबा खुद को आग क्यों लगाएगी, खुद को कैद क्यों करेगी। मेरे ये शब्द सुनकर बूढ़े अंकल हैरान से हो गए थे और मैं नजरें बचाता हुआ वहां से बाहर निकल आया था। मैं खुद पर शक नहीं करवाना चाहता था, मैं इस घर को छोड़ना भी नहीं चाहता था। आज का पूरा दिन निकालना सबसे मुश्किल रहा। ना किताबों में मन लग रहा था, ना किसी से बात करने का मन था। दिन बहुत लंबा गया, लेकिन 7 बजे और मैं भागता हुआ घर आ गया था। छत पर चढ़ गया था और उसी घर को ताके जा रहा था, कब जलेगी लाइट। और मैं दीवारों को फांता हुआ, घरों की छतों से छलांगे लगाता हुआ वहां पहुंचूंगा, उससे कुछ बातें करूंगा। कोई दोस्त नहीं है मेरा, मुझे लड़कियों पर भरोसा नहीं है और अच्छे दोस्त मुझे कभी मिल नहीं पाए। ये पहली लड़की थी जिससे सालों बाद मैंने बात की थी, और वो भी इतने समय तक। मुझे ऐसा लग रहा था मैं बातें कर सकता हूँ, मेरा मन बहल जाता है। आज फिर से किताब को हाथ लगाने का मन नहीं था। और जैसे ही 10 बजे उस घर में लाइट जली, भागता फांदता हुआ मैं उसी किनारे पहुँच गया। वो लड़की खुद ही पर्दा हटाकर जैसे मुझे ढूंढ रही थी। मुझे खुशी हुई, वो मेरा इंतज़ार कर रही थी, लेकिन थी तो वो भूत। मैं आज भी उससे बातें करता रहा और 12 कब बज गए मुझे पता ही नहीं चला। मैं उसे विदा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसका समय हो गया था। आज मायूसी थी मेरी आंखों में, ऐसा लग रहा था उससे दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन जाना होगा। मैं मन में यह ठान बैठा था कि उससे दूर ना जाऊं तो कैसा होगा, लेकिन एक भूत को अपनी जिंदगी कैसे बना सकता हूं। कभी ना कभी मुझसे दूर तो होगी वो। वो किसी और दुनिया में है और मैं किसी और दुनिया में, हम इकट्ठा कभी हो नहीं सकते। आज फिर से मुझे नींद नहीं आई थी, और इसके अगले दिन फिर से 7 बजे का इंतजार लंबा रहा, और मैं फिर से दीवारें फांदता हुआ उसके पास पहुंच गया। मुझे आदत सी हो गई थी उससे बात करने की। आज फिर से उससे बातें करते हुए मैं ये पूछ रहा था, आखिर क्या चाहिए तुम्हें, कैसे होगी तुम आज़ाद। मेरा मन तो नहीं कर रहा तुमसे दूर होने का, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ मैं ये सोच रहा था। तुम्हें आज़ादी चाहिए तो क्या करूँ कि तुम्हें आज़ाद कर पाऊँ। तो उसने कहा, सच्चाई ही मेरी आज़ादी की चाबी है। मैं जान ही नहीं पाई कौन मुझे मारना चाहता था, क्यों मुझे कोई मारना चाहता था। कभी मुझे किसी लड़के पर शक था तो कभी किसी और पर। अंत तक मैं जान ना पाई कौन मुझे मारना चाहता रहा। अगर तुम पता लगा पाओ तो मेरी आज़ादी तुम जान पाओगे, और मैं इस दुनिया से आज़ाद होऊंगी, मैं इस दर्द को छोड़ दूंगी। तो मैंने कहा, पुलिस भी इस राज को ढूंढ नहीं पाई, 2 साल पुरानी घटना मैं कैसे जिंदा कर पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा। तो साहिबा ने कहा, आज 20 अगस्त है, आज से 2 साल पहले ही लगी थी आग, रात के 8 बजे। ये वही दिन है, और मैंने सुना है जब बरसी होती है तो दिन पलटते हैं। तुम शायद इस घर के अंदर आकर कुछ पता कर पाओ। क्या तुम्हें एक दिन का समय दिया जाए तो तुम पता कर सकते हो। मैंने कहा, मैं तुम्हें आज़ाद कर पाऊँ तो कोशिश तो कर ही सकता हूँ, लेकिन कैसे। तो उसने कपड़ा फेंक दिया, वो छोटा सा रास्ता था, और वहाँ कपड़े को पकड़कर मैं उस खिड़की से अंदर चला गया था। आज साहिबा को सामने से देख रहा था, लेकिन वो धुंधली सी थी, वो प्रेत थी जो मेरे सामने खड़ी थी।
मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था। वो बहुत ही सुंदर सी थी लेकिन अधूरी सी, जैसे धुंधली सी। उसने मुझे बाहर के दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा, 12 बजने वाले हैं। वो दरवाज़ा रहा, उसके पार जाकर अगर सच्चाई ढूंढ पाओ तो मेरे लिए सच्चाई ढूंढ लाना, शायद मुझे आज़ादी मिल जाए। मैं नहीं जानता था मैं क्या करूं, लेकिन डर नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे मार भी दे तो खुशी ही होगी। उसकी आज़ादी के लिए अगर कुछ हो पाए तो मैं करना चाहता था। वो मुझे धोखा नहीं देगी उस लड़की की तरह जो मुझे 1 साल घुमाती रही थी। मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाया था आज से पहले, और मैंने साहिबा पर भरोसा किया और चलता हुआ उस दरवाज़े पर गया और उसे खोल दिया। मैंने उस दरवाज़े को खोला ही था, आँखों के सामने जैसे रोशनी छा गई, मेरा पैर फंसा और मैं नीचे गिरा। मेरा सर टकराया फर्श से, थोड़ा सा दर्द हुआ, आँखें खुली तो दिन हो चुका था। ये क्या, दिन हो गया, ये कैसे? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं उस 2 मंजिला घर के बाहर था और उसका गेट खुला हुआ था, किसी ने ताला खोल दिया था। ये कैसे? लगता है मैं बेहोश हो गया और मुझे बचाने के लिए लोग यहां पर आए होंगे। यकीनन यही हुआ होगा, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया। मैं उठा, मैं अपने हाथ पैर देखने लगा और तभी एक तरफ एक बूढ़ा आदमी चलकर मेरे पास आया। लगता है तू भी लड़कियों को छेड़ने आया है, निकल जा यहां से, पुलिस को बता दूंगा। वो मेरी तरफ झपट रहा था और मेरे पैर अपने आप चलने लगे। मैं भागता हुआ अपने घर के अंदर जाना चाहता था और बूढ़े अंकल को बताना चाहता था कि क्या हुआ मेरे साथ, लेकिन मैं जैसे ही बूढ़े अंकल के सामने गया, वो हैरानीजनक तरीके से मेरी तरफ देख रहे थे। हाँ बच्चे, क्या चाहिए? मैंने कहा, अंकल मैं वहां पर कल रात गया था और वो भूत मुझे नजर आया था। मैंने बस ये कहा, वो बूढ़े अंकल हंसने लगे। भूत नजर आया था? बच्चे इस उम्र में भूत नहीं लड़कियां नजर आती हैं, और तेरी लड़कियां ताड़ने की उम्र है, तू भूत ताड़ रहा है। वो जैसे हंसी में बात उड़ा रहे थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो कह क्या रहे हैं। उसके बाद मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगा तो बूढ़े अंकल ने कहा, बच्चे किधर जा रहा है? लगता है तू ज्यादा ही करीब आ रहा है, निकल जा यहां से। मैंने कहा, क्यों यहां से निकलूं क्यों, मैं तो ऊपर अपने कमरे में जा रहा हूं। तो बूढ़े अंकल ने कहा, अच्छा किराए पर लिया है नहीं घर को, किराया दिया नहीं और ऊपर जा रहा है? तो मैंने कहा, लिया तो है, इतने दिनों से घर में रह रहा हूं। तो वो बूढ़े अंकल गुस्से में आ गए और मुझे धकेल कर घर के बाहर निकाल कर गेट लगा दिया। मैं हैरान और परेशान, यहां हो क्या रहा है, सब लोग अनजानों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं? तभी सामने पड़ी वो अखबार, जिसे अखबार वाला फेंक कर गया था मेरी आंखों के सामने। मैंने उठाई, उस पर 2 साल पुरानी 20 अगस्त की तारीख थी। आंखें चुंधिया सी गई, दिमाग घूमने सा लगा था। तभी मन में ख्याल आया था, 1 दिन का, साहिबा ने कहा था 1 दिन, मुझे पता लगाना है। मैंने मुड़कर देखा उस 2 मंजिला घर की तरफ, वहां से 3 लड़कियां निकल रही थीं, उनमें से एक साहिबा थी। उसे देखकर जैसे मन खुश हो गया था, वो धुंधली सी नहीं बल्कि असली इंसान जैसी लग रही थी। मैं भागता हुआ उसके पास गया, मैंने कहा, साहिबा मैं इस समय में आ गया, लगता है मैं पता कर सकता हूं। मैंने ऐसा कहा था और साहिबा डरकर पीछे की तरफ हो गई। वो तीनों लड़कियां पीछे हट चुकी थी और उस 2 मंजिला घर से एक हट्टा कट्टा बूढ़ा आदमी बाहर आया और मुझे धक्के मारने लगा। ए लड़के, लड़कियों को छेड़ता है, निकल जाए यहां से वरना पिटाई बहुत ज्यादा होगी, उसने ये कहा था और मैं 2 कदम पीछे हट गया। साहिबा और उन 2 लड़कियों को अपनी आंखों के सामने से गुजर कर जाते हुए देखा था मैंने। मैं जान गया था कि कोई मेरे बारे में नहीं जानता, मैं समय में पीछे तो आ गया हूँ 1 दिन के लिए, बस मुझे सच्चाई का पता करना है और साहिबा भी इस समय में जिंदा है। शायद कोई शक्ति है, शायद बरसी के दिन उस घर में ऐसी शक्ति का निर्माण हुआ कि मुझे 1 दिन का समय मिला है सच्चाई जानने का। 20 अगस्त 2 साल पहले, ये वही वक्त है जब रात को आग लगेगी इस घर में और मुझे कारण जानना है। मैं उस घर के आसपास ही मंडरा रहा था, मुझे उन लोगों पर ध्यान रखना था जिन पर शक था। सबसे पहले तो मुझे उस कॉलेज तक जाना था जहां साहिबा पढ़ती थी, वहां आसपास देखना था कोई है जो साहिबा को तंग करता है,
क्या कोई धमकी देता है? क्या इस घर में कोई आता है? मैंने देखा उस घर से वो बूढ़ा हट्टा कट्टा आदमी बड़े बड़े बैग लेकर जा रहा था। शायद आज वो छुट्टी पर कहीं जा रहा था, इसीलिए कातिल ने मारने की कोशिश की होगी, या एक गलती जो मुझे सुधारनी है और पता करनी है। वो बूढ़ा आदमी ताला लगाकर वहां से निकला ही था, छिपते छिपाते मैं दीवार फांद कर घर के अंदर पहुंच आया था। घर के अंदर ताला नहीं लगा था, मैं हर कमरे में जा सकता था। धीरे धीरे करता हुआ मैं देख रहा था आग कैसे लग सकती है घर में, किस कारण आग शुरू हुई होगी, और मैं ऊपर वाले कमरे तक पहुंचा। एक अलमारी के पीछे 3-4 बोतलें पड़ी थी पेट्रोल की। क्यों किसी ने पेट्रोल की बोतलें अलमारी के पीछे रखी होंगी? मुझे शक ज्यादा होने लगा था, कोई तो घर में आग लगाना चाहता था। कोई आशिक हो सकता है? साहिबा है ही इतनी सुंदर। हो सकता है कोई प्यार में इस तरह से ठुकराया हुआ उसे मारने की कोशिश कर रहा होगा। वो पूरा दिन कभी मैं घर के आसपास रहता तो कभी कॉलेज चला जाता। जितने भी लोग कॉलेज में उसे छेड़ने की कोशिश कर रहे थे मैं उनका पता लगा रहा था, और घर के आसपास कौन मंडरा रहा है मैं उसका पता लगा रहा था। मैंने उसे पसंद करने वाले कई लोगों का पता कर लिया था। कई लड़के उसके कॉलेज में पढ़ते थे जो उसे पसंद करते थे, लेकिन साहिबा ने हर किसी को ठुकरा दिया था। उसे भी एक बार धोखा मिला था जिसके बाद से वो किसी पर भरोसा कर ही नहीं रही थी। इसी तरह पूरा दिन निकलता जा रहा था और शाम के 6 बजे तक मेरा दिमाग फटने को आ गया था। शक तो बहुत ज़्यादा लोगों पर था लेकिन पता नहीं चल पा रहा था। शाम के 6 बजे घर के आसपास कई लोग जब गुजरते तो मुझे लगता जैसे यही वो है, लेकिन एक आदमी पर अलग सा ध्यान था, तांत्रिक। वो उसी घर के आसपास मंडरा रहा था और देखे जा रहा था। उसने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था और बार बार घर के पास में पहुंचकर वो दीवारों पर कुछ लगा देता। इसी तरह उसने एक पर्ची ऊपर ईंट के नीचे रख दी थी और मैं ये देखने को मजबूर हो गया था उसमें क्या है। उस तांत्रिक को दूर से देखता रहा और कुछ समय बाद वो तांत्रिक वहीं से जा रहा था और सामने से साहिबा और उसकी दो सहेलियां आ रही थीं। उस तांत्रिक की तरफ उन तीनों ने देखा तक नहीं और तांत्रिक भी अपने काम में मग्न था। फिर भी उसने उस घर के पास कुछ तो किया ही था। मैं इधर ही खड़ा रहा और उन्हें अंदर जाते हुए देखता रहा। एक दीवार के ईंट के नीचे वो पर्ची रखी हुई थी जिस पर कुछ ना कुछ लिखा गया होगा, लेकिन मुझे उस तांत्रिक का पीछा भी करना था। ज़रूर वो तांत्रिक कुछ ना कुछ करके गया होगा। वो तांत्रिक बाद में चलता हुआ उस घर से बहुत दूर चला गया। उसके बाद वो कॉलोनी से भी बाहर निकल गया और सड़क के रास्ते से बस पकड़कर कहीं जा रहा था, तो मुझे लगा ये तांत्रिक तो दूर जा रहा है, जो भी मारने वाला होगा वो यहीं पर रुकना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था और मेरा मन विचलित हो रहा था, तो मैं उसी घर के पास आ गया। मैं बाहर से झांके जा रहा था और सोचे जा रहा था कैसे पता करूं। आज अगर दिन निकल गया तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और मैं यहीं पर फंसा रह जाऊँगा। क्या करूँ मैं उसे बचा नहीं पाऊँगा। मैं उस दीवार के पास गया, उस ईंट को उठाया, नीचे कोई पर्ची नहीं थी। कोई तो था जो उस पर्ची को ले गया था, कौन हो सकता है वो? मुझे अब उस तांत्रिक पर भी शक था, लेकिन वो तो दूर जा चुका था, जो यहाँ था वो कौन हो सकता है? कुछ दूर मैंने एक लड़के को खड़े हुए देखा। वो एक मोटरसाइकिल पर खड़ा था और ऊपर की तरफ झांके जा रहा था। कुछ समय तक ऐसा ही वो करता रहा। उसके बाद उसने जेब से सिगरेट निकाली और सिगरेट को सुलगाने लगा, तो मुझे उस पर सबसे ज़्यादा शक था और समय कम होने के कारण मैं सीधा गया, उसे पकड़ लिया। उसकी सिगरेट एक तरफ गिर गई थी और मैंने उसे 2 चमाट लगाई और उससे पूछा, साहिबा को परेशान करने आया है ना, उसी का आशिक है ना तू, आज कुछ करना चाहता है ना तू? लेकिन उसका घबराया हुआ चेहरा ये बयां कर रहा था वो बहुत डरपोक था। वो मुझसे माफ़ी मांगने लगा और उसने सलमा का नाम लिया। उसने कहा, सलमा, मैं तो सलमा के लिए आया हूँ, सलमा यहाँ ऊपर रहती है। साहिबा? नहीं नहीं, साहिबा तो बहुत सुंदर है, उसके पीछे तो बहुत लड़के पड़े हैं, अगर किसी को पता चल गया कि मैं साहिबा को पसंद करता हूँ तो मेरी तो पिटाई हो जाएगी कॉलेज में। नहीं, मैं तो सलमा के लिए आया हूँ। लेकिन मुझे फिर भी शक था, तो उसे 2-4 चमाट और लगाए और वहाँ से भगा दिया। वो इस तरह से डर कर भागा था, मुझे यकीन हो गया था वो वापस नहीं आने वाला।
क्या उसने ही उस ईंट के नीचे से पर्ची उठाई थी या वो कोई और था। जैसे ही अंधेरा घिर चला था मैं जान गया था समय कम है। कौन है यहां पर जो आग लगा सकता है? क्या ये गलती से अपने आप लगी आग हो सकती है? मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैंने घर की बेल बजानी शुरू कर दी। साहिबा ही बाहर निकली थी। जैसे ही साहिबा बाहर निकली मैंने उससे कहा, साहिबा घर में आग लगने वाली है, तुम ऐसा करो घर से बाहर निकलो, घर में रहना खतरनाक है। लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रही थी और बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैं उसे डराना नहीं चाहता था लेकिन वो घबराने लगी और चीखने लगी। पड़ोसी वहाँ पर आ रहे थे और मैं जान गया था वो मुझे पकड़कर यहाँ से दूर ले जाएंगे और मैं साहिबा को बचा नहीं पाऊँगा। भीड़ होने से पहले मैं बचता बचाता उसी बूढ़े अंकल के छत पर पहुँच गया। किसी तरह से उन्हें पता तक नहीं चला। यहाँ से रास्ता मुझे पता था लेकिन वो घर जहाँ पर कोई नहीं रहता था, जिसे फांद फांद कर आसानी से मैं उस दो मंजिला मकान तक पहुँच जाता, समय में पीछे हूँ मैं, वहाँ पर अब कोई रहता है, छत पर आवाज़ आएगी और हर कोई ऊपर चढ़ाएगा। आशिक समझकर पिटाई बहुत होगी मेरी लेकिन उससे बुरा मुझे ये होगा कि साहिबा आज़ाद नहीं हो पाएगी। छत पर सिमटा हुआ समय का इंतज़ार करता रहा। वो समय बहुत ज़्यादा नज़दीक था और मैं नीचे भी झांकता। कौन है जो यहाँ आग लगाकर चला जाएगा? लेकिन कोई भी आसपास नहीं था। मैं देखता रह गया और उस खिड़की से रोशनी निकली जो पीले रंग की थी। ये आग की रोशनी थी और मैं खुद को रोक नहीं पाया। भागता हुआ दीवारों को फांदता हुआ मैं उन घरों के ऊपर से उछलता हुआ जा रहा था। हाथ में मेरे रस्सी थी जिसके सहारे मैं उस घर में घुसने वाला था। मैं उस अंतिम घर तक पहुंचा जहां से खिड़की बहुत पास थी। वहां आग बढ़ती जा रही थी और अंदर से बहस की आवाज़ें आ रही थी। मैंने उस रस्सी को डाला, उस खिड़की के सहारे मैं अंदर चला गया और अंदर एक तरफ आग लगी हुई थी और बोतलें नीचे पड़ी थी जिनके ढक्कन अभी खुले नहीं थे। दरवाजे पर थोड़ी सी आग लगी हुई थी जिसे तोड़कर बाहर जाया जा सकता था और मैं जैसे ही अंदर पहुंचा था वो लड़कियां घबरा सी गई थीं। ऐसे डरी थीं जैसे मैं उन्हें मारने आया हूं। वो एक तरफ सिमट गई थीं लेकिन तभी मैंने कहा, साहिबा मैंने कहा था यहां आग लगेगी, मैं तुम्हें बाहर निकालने आया हूं, मुझ पर यकीन करो बाहर चलना होगा हमें। मैं उस दरवाजे को कंधा मारकर खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो इस तरह से बंद था जैसे खुल ही ना रहा हो। उसके बाद मैंने साहिबा को कहा, हमें उसी रास्ते से बाहर निकलना होगा जहाँ से मैं आया हूँ। खिड़की से बाहर निकलो इससे पहले आग बढ़ जाए। अगर आग बढ़ गई तो बाहर नहीं निकल होगा, अंदर ही तुम मर जाओगी। चलो मेरे साथ। मैं पता नहीं लगा पाया ये आग कैसे लगी है, क्या किसी ने लगाई है या कुछ और है। लेकिन उसके बाद साहिबा जैसे मुझ पर यकीन कर रही थी। मेरी वो उदास सी आँखें और मैं उसकी तरफ इस तरह से देख रहा था जैसे उसे बरसों से पहचानता हूँ। वो मेरी नज़रें पहचान गई थी और मुझ पर भरोसा कर बैठी थी। मैंने उस रस्सी के सहारे उसे बाहर निकलने के लिए कहा लेकिन सलमा ने उसकी बाजू पकड़ ली थी। मैं नहीं जानता था सलमा ऐसा क्यों कर रही थी लेकिन साहिबा उसे बाजू छुड़ा रही थी और कह रही थी, मुझे बाहर जाने दो, तुम बाहर उसी रास्ते से जाओ, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। लेकिन सलमा कह रही थी, नहीं तुम नहीं जा सकती, अगर तुम यहाँ से बाहर चली गई तो कुछ और हो जाएगा। मैंने तेज़ी से साहिबा का हाथ खींचा लेकिन सलमा बार बार उसे रोक रही थी। तो मैंने सलमा से पूछा, क्या करना चाहती हो? यहाँ पर आग लगेगी तुम मर जाओगी। लेकिन सलमा कह रही थी, नहीं आग लगेगी हम मरेंगी नहीं, यहाँ पर पेट्रोल भी पड़ा है, हम नहीं मर सकती, ये जादू ऐसे ही काम करता है। वो तांत्रिक मेरे पिता हैं जो नीचे थे, मैंने देखा था तुम उनकी तरफ किस तरह से देख रहे थे, उन्होंने मुझे वो मंत्र बताया है जिससे इसकी सारी नूर की शक्ति मुझ में आ जाएगी। वो सब लड़के जो इसे पसंद करते हैं वो मुझे पसंद करने लग जाएंगे, मैं भी इसकी तरह सुंदर बन जाऊंगी, इसीलिए ये जादू किया है। बस कुछ देर आग लगेगी इसकी हर शक्ति मुझ में आ जाएगी, सुंदरता मुझ में आ जाएगी और तुम ये खराब कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। तो मैंने कहा, तो तुम्हारे कारण हुआ था ये, इसीलिए साहिबा कभी समझ ही नहीं पाई, कोई जान ही नहीं पाया और तुम तो सब जानती थी इसलिए आज़ाद रही।
मैंने सलमा को धक्का दिया था और उसके बाद साहिबा को उसी रस्सी के सहारे साथ वाले उस छत पर पहुंचा दिया था। लेकिन आग इतनी तेजी से बढ़ रही थी, मैं उन लड़कियों को छोड़ नहीं सकता था। मुझे साहिबा को आजाद करवाना था। मुझे पता था ये सब भ्रम है, बस उस दिन की एक याद है जो मुझे नजर आ रही है। लेकिन मेरा मन कहाँ मान रहा था। उन्हें भी बचाने के लिए मैं वापस आग में कूद पड़ा था। पहले उस लड़की को बचाया, लेकिन सलमा अब रो रही थी। फिर भी मैं उसे खींचता हुआ उस रस्सी के सहारे वहां ले आया था और उसे कहा, सुंदर ही तो हो, और कितना बनना है? प्यार करने वाला बस एक ही तो चाहिए, तुम्हें कितने चाहिए? उसने भी हाथ में पकड़ी वो तांत्रिक की पर्ची उसी आग में फेंक दी थी और आग इतनी तेजी से बढ़ी, शायद उन बोतलों को आग लग गई थी जिनमें पेट्रोल था, और आग बहुत तेजी से बढ़ी। इसी कारण इनके बचने के कोई चांस ही नहीं थे। ये छत से कूद तक नहीं पाई, वो आग फैली ही इतनी तेज होगी। लेकिन अब इन्हें मैं इस छत पर ले आया था और मैं जान भी गया था कि कातिल था कौन या गलती करने वाला कौन था। हर राज मेरी आंखों के सामने सच्चाई बनकर छा गया था, और तभी आंखों के सामने वो अंधेरा सा छा गया। सर में दर्द सा होने लगा और मेरा पैर फिसला छत से ही। मैं उसी छत से नीचे जा गिरा, लेकिन आंख खुली तो मैं सड़क पर पड़ा था और उस घर के नीचे नहीं बल्कि अपने उसी घर के आगे पड़ा हुआ था। छोटा सा कंकड़ मेरे सर पर टकरा गया था जिस कारण दर्द हो रहा था। मैंने अपनी आंखें ऊपर की, सामने वो बूढ़े अंकल खड़े थे और कह रहे थे, बच्चे तेरा हाल बुरा है, ऊपर चला जा, पढ़ाई कर ले। तुझे कब से कह रहा हूँ, तू झांकता रहता है उस मकान की तरफ, वहां पर तुझे लड़कियां दिखती हैं। मैं मुस्कुरा सा रहा था। मेरे सामने अखबार पड़ी थी और मैंने उस अखबार को उठाया। ये बिल्कुल सही तारीख थी, 21 अगस्त। वो रात निकल गई थी और सच्चाई में जान गया था उसी घर की तरफ नजर थी जहां से साहिबा शायद आजाद हो गई होगी। मन को तसल्ली थी, लेकिन फिर भी मैं उदास सा। उससे दूर होने का गम था। वो खूबसूरत चेहरा शायद अब मुझे कभी देखने को नहीं मिलेगा। मैंने उसे आजाद कर दिया था। वो सच जो जानना चाहती थी वो उसे पता लग गया होगा। वो बूढ़े अंकल मेरी तरफ अजीब तरह से देखे जा रहे थे, जैसे कोई पागल को देख रहे हों। मैं उठा और उनसे कहने लगा, देखो उस घर का भूत मैंने भगा दिया है, अब कभी वहां किसी को भूत नजर नहीं आएगा। लेकिन बूढ़े अंकल ने ऐसी चमाट लगाई मुझे और पीछे की तरफ गिरा दिया, तू पहले से पागल लगता था, आज ज्यादा पागल हो गया है। कौन सा भूत, कैसा भूत, भाई साहब ऊपर जाओ और पढ़ाई करो। तो मैं भी उठ खड़ा हुआ। उस घर में वो लड़कियों का भूत, मैंने आपको इतनी बार कहा वहां लाइट नजर आती है, आप कहते थे वहां पर भूत है, उसी भूत को आजाद कर दिया मैंने, दोबारा वहां पर कोई नजर नहीं आएगा। उस बूढ़े अंकल ने एक दोबारा उससे जबरदस्त चमाट लगाई मेरे। मैं फिर से पीछे जा गिरा। वो कहने लगे, तेरा दिमाग सच में खराब हो गया है, किसको भूत कहता रहता है भाई, वो तीन लड़कियां अब भी वहीं रहती हैं, तू किसे भूत बनाए फिरता है। ये शब्द मुझे हैरान करने के लिए काफी थे। उसके बाद वो बूढ़े अंकल अंदर चले गए, लेकिन मैं वहीं पर लेटा हुआ था जैसे पूरी दुनिया घूम गई हो मेरी। तभी मेरी नजर उस मकान के नीचे लगे उस ताले पर पड़ी जो वहां मौजूद ही नहीं था। उस घर का रंग भी साफ लग रहा था। अंदर एक पौधा लगा हुआ था जो पहले मौजूद ही नहीं था, आज इतना बड़ा अचानक से कैसे हो गया। वो गेट खुला था। साहिबा अपनी दो सहेलियों के साथ बाहर निकली। मैं आंखें मलता रहा, आखिर ये हो क्या रहा है। दोबारा से उस अखबार को उठाकर मैंने पढ़ा था, तारीख सही थी, लेकिन साहिबा यहां पर कैसे आ सकती है, वो मर चुकी है। मैंने उस राज को सामने ला दिया था, लेकिन वो आजाद होनी चाहिए, वो जिंदा कैसे है। मैं नीचे गिरा हुआ ही उसे देखे जा रहा था, और वो दो सहेलियों के साथ साहिबा मेरे करीब पहुंची तो वो दो सहेलियां उसे कंधा मारकर आगे निकल गई। लेकिन साहिबा ने मुझे हाथ दिया और उठने को कहा। मैं खड़ा हो गया था और यकीन नहीं कर पा रहा था, वो जिंदा कैसे हो सकती है। क्या मैंने उसे उस आग से बचाकर आजाद ही नहीं किया, बल्कि इतिहास ही बदल दिया था।
मैं ये सब सोच ही रहा था तभी साहिबा ने कहा, तुम यहां पर दोबारा? मैंने कहा, मैं यहां पर किराए पर आया हूं, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने आया हूं। तो साहिबा हंसने लगी, अच्छा है, तुम तो करीब ही आ गए, पिछली बार कुछ बताया भी नहीं, कहां चले गए थे? मैंने कहा, मैं बस ऐसा लग रहा है जैसे कल की ही बात हो, बस आ गया मैं वापस। बस इतने शब्द कहे थे वो मुस्कुराती हुई आगे निकल गई। कई बार पलट कर देखा था उसने मुझे और मैं जैसे खड़ा खड़ा सन्न हो चुका था। मैं अपने कमरे में गया था और सच बताऊं किताबें पढ़ने का मन ही नहीं था। पता नहीं क्यों आसमान को देखे जा रहा था, दीवारों को देखे जा रहा था और उस दो मंजिला मकान को देखे जा रहा था। मैं जान गया था इतिहास बदल गया है और मुझे शायद जिंदगी जीने का दूसरा मौका मिला है जैसा साहिबा को मिला है। क्या सच में वो मुझे भी पसंद करती है? क्या वो जानती है कैसे उसे भूत से दोबारा जिंदा कर दिया है मैंने? क्या इस सच्चाई को वो कभी जान भी पाएगी या मेरे मन में ये सच्चाई दबी रहेगी लेकिन उसे भुला ना पाऊंगा? हो सकता है उसे पा ही लूं।